राम नगरी अयोध्या इन दिनों अपने आराध्य रघुनंदन के इंतजार में है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। लोगों को 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की बेसब्री से प्रतीक्षा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो मूर्ति स्थापित की जाएगी उसमें एक मूर्ति का चयन भी हो गया है। मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के जाने माने मूर्तिकार अरुण योगिराज ने किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले निमंत्रण देने के लिए अक्षत वितरण की शुरुआत भी हो गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई है। रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देश भर में अक्षत बांटने का काम 1 से 15 जनवरी तक चलेगा। संपूर्ण भारत में गांव और मोहल्लों में कॉलोनियों में कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। 15 जनवरी मकर संक्रांति तक जाएंगे। भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के चार दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंद उत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। घर घर संपर्क योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों में पूजित अक्षत रामलला के विग्रह का चित्र और एक पत्रक देकर 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाने की अपील की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी 30 तारीख को जब अयोध्या गए थे तब उन्होंने देशवासियों से अपील की थी कि अयोध्या ना आकर 22 जनवरी को अपने घर में ही दिवाली मनाएं। 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं, 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच राम भगवान के नाम पर सियासी घमासान भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ बयान देते हुए मुस्लिम नौजवानों से मस्जिद बचाने के लिए एकजुटता की अपील कर डाली। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूँ, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहाँ पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। अपनी मिली अहमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। इधर ओवैसी बोले तो उधर हिंदू संगठन भी खुलकर बयान के विरोध में आ गए। कानून की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाने का काम भारतीय संविधान या न्याय व्यवस्था या भारतीय न्याय तंत्र का, सर्वोच्च न्यायालय का भी मजाक बनाने वाले ऐसे नेता मुस्लिम यूथ को कहते हैं कि अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। उनको निर्वाद करने का काम किसने किया? क्या आपको लग रहा है कि मस्जिदों में वास्तव में यूथ नहीं जाने लगे? अगर आपकी मस्जिदों के छीनने की बात आती है तो उस समय आप कहां सो जाते हैं जब हजरतबल के ऊपर आतंकी हमले होते हैं, जब अनेक मस्जिदों को आतंकी अपने कब्जे में जकड़ लेते हैं, भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है तो आपके पैर तले से जमीन खिसक जाती है। संपूर्ण भारत के मुसलमानों को बरगलाने, भड़काने और मुस्लिम यूथ को आतंकवाद की राह में धकेलने से बाज आइए। राम मंदिर उद्घाटन से पहले भारतीय जनता पार्टी की भी बड़ी तैयारी है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राम मंदिर मुद्दे के इर्द गिर्द पार्टी का बड़ा प्लान बन रहा है। लिहाजा आज बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी इस महत्वपूर्ण बैठक में मौजूद रहेंगे। राम मंदिर से जुड़ी इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए बीजेपी ने देश भर से अपने नेताओं को बुलाया है। बैठक में सभी प्रदेशों से दो दो पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे।